हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे कि NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है और ये किसी भी बैंक के शेयर को चुनने के लिए हमें किस तरह से मदद करता है, ये किस तरह से बैंक के इनकम के बारे में बताता है, बैंक कितना एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है इसके बारे में बताता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले NIM का फॉर्मूला लिख देता हूँ और हम लोग उसके एक एक कॉम्पोनेंट को अच्छे से समझ के ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन से हम किसी भी शेयर को एनालाइज कैसे कर सकते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है उसको डिसाइड कैसे कर सकते हैं। NIM का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय असेट ऑफ द बैंक। इस फॉर्मूला को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक की कमाई कैसे होती है और बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है। किसी भी बैंक की मेन जो कमाई होती है वो होती है सस्ते दरों में लोन लेना और महंगे दरों पे लोन देना, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो उनकी मेन कमाई होती है। तो अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक सस्ते दरों में लोन कहाँ से लेते हैं या पैसे कम रेट पे कहाँ से उठाते हैं। तो वो होता है उनका करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जैसे जो अकाउंट्स होते हैं उसमें जो लोग पैसे जमा करते हैं उसमें 2-3% या मैक्सिमम 4-5% रेटों पे इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, मतलब कि उन्होंने कम रेट पे पैसे लिए। और उस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो पैसा लिया हुआ है उससे पैसा जनरेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोवर्स को लेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट अर्न वही है जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10-11-15% के रेट पे जो बोरोवर्स को या फिर लेंडर्स को पैसा दिया हुआ है माइनस जो इंटरेस्ट पेड किया है उन्होंने जो डिपॉजिट से, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट जो अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट दिया है, दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको डिवाइड किया जाता है असेट ऑफ द बैंक से। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि असेट क्या होता है किसी भी बैंक का। किसी भी बैंक का जो मेन असेट होता है वो है कि उसने मार्केट में जो डेब्ट दे रखे हैं, जो लोन दे रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उसी से उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो परसेंटेज में निकलेगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर NIM। और ये किसी भी बैंक का इनकम हम समझ सकते हैं उसके ऑपरेशंस को समझने के लिए। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ एक XYZ बैंक है, उसके पास जो लोन के रूप में लेंडर्स को पैसा दिया हुआ है वो है 100,000 करोड़, और उसी तरह से उसके पास जो फिक्स डिपॉजिट या फिर करेंट डिपॉजिट में पैसा जमा है वो है 120,000 करोड़, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेंडर्स को उन्होंने जो दे के रखा है वो है 6% के रेट से, और जो उन्होंने करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट्स में एवरेज जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिपॉजिटर को वो है 2%। तो इस तरह से ऊपर जो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 × 6 / 100 - 120 × 2 / 100। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा 6 - 2.4 = 2.6 थाउजेंड बिलियन। तो अभी इसको रेशियो निकालने के लिए 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको हम समझ सकते हैं कि उस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.6% है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जिस बैंक में NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उस बैंक का जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको ये आता है कि जो लोन मार्केट में दे के रखा उन्होंने उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे कमाया जाए। तो क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन ही सफिशिएंट है किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि कैलकुलेशन में जो लोन दिया हुआ है मार्केट में वो बहुत ही मैटर करता है। तो अगर ये लोन क्वालिटी अच्छा है, इस लोन से जो रिकवर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है लोन में वो हाई है, तो एक्चुअली येस, NIM से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम होना शुरू कब हो जाता है बैंक में या फिर मार्केट में। जब मार्केट में जो लोन डिमांड है वो कम होने लगता है और फिक्स डिपॉजिट का जो है अमाउंट बढ़ने लगता है,
तो उस समय जो NIM है वो वैल्यू कम हो जाएगा। इसको डे टू डे लाइफ में रिलेट करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी RBI रेपो रेट कम करती है तो बैंक को अपना जो लेंडिंग रेट है वो कम करना रहता है, यानी कि उनको बोरोवर्स को कम रेट पे लोन देना रहता है। लेकिन ये प्रॉफिट बैंक्स जनरली पास ऑन नहीं करते अपने बोरोवर्स को, ताकि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन देते रहे और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब जब भी RBI अपने रेपो रेट में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करे, तो आप रिलेट कर सकते हो कि बैंक के इनकम में या फिर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सीधे शब्दों में, जब भी RBI अपने रेपो रेट में कमी करेगी तो बैंक की कमाई कम होगी, क्योंकि बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे पाएंगे। और इसके उल्टा, जब भी रेपो रेट बढ़ाएगी RBI तो बैंक अपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं और उनकी कमाई बढ़ेगी। जब रेपो रेट कम या ज़्यादा होता है तो बैंक को सिर्फ अपना जो लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ही ध्यान नहीं रखना पड़ता है, उनको अपने कासा को भी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको भी अच्छे से उनके प्रोपोर्शनली मेंटेन करना पड़ता है। अभी हाल ही फ़िलहाल में सभी बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कम हो रहे हैं, उसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो ये है कि रेपो रेट लगातार कम हो रहा है, इससे जो लोन का रेट है मार्केट में देने का कम बैंक्स का, वो कम होते जा रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो FD या फिर जो लोग जमा करते हैं बैंक में पैसे, वो अमाउंट भी कम हो रहा है, इसलिए बैंक को कम रेट पे जो अमाउंट मिलता था उनको, वो कम हो रहा है, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड या फिर दूसरे जो एसेट्स जनरेट करने वाले सोर्स हैं वहाँ पर लोग पैसे डाल रहे हैं। और यही रीज़न है कि लोग जो अभी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक होने के बावजूद भी उससे एग्जिट कर रहे हैं और दूसरे या तो इंस्ट्रूमेंट या फिर दूसरे सेक्टर के जो शेयर हैं उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कासा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या रिलेशन है। जिस बैंक का कासा जितना अच्छा रहेगा उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी उतना ही अच्छा होगा। कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो जितना ज़्यादा होगा, यानी कि बैंक के पास कम रेट पे आया हुआ पैसा उतना ज़्यादा होगा, और इस तरह से वो उनके पास जो पैसा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करने के लिए वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगली बार जब भी आप किसी बैंकिंग शेयर को एनालाइज़ करें तो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कासा वैल्यू ज़रूर देख लें। सिर्फ कासा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखकर ही शेयर सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ दूसरे एस्पेक्ट है उनको भी देख लेना चाहिए, जैसे कि कंपनी के पास या फिर बैंक के पास NPA कितने हैं, जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कितना है, वो कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा बैंक के पास, उनका जो मेन एसेट होगा उतना ज़्यादा होगा, तो उस कंपनी को इंटरेस्ट बनाने के लिए उतना ईजी जाएगा। और इसीलिए इन सारे दूसरे रेशियोज़ को भी अच्छे से देख लेना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।